नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गाय को जहां एक तरफ राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कार्यात चल रही है, वहीं उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में लापरवाही की वजह से गाय तड़प तड़प कर मर रही है। जी हां, यहां गौशाला ताखा ब्लॉक की मामन गौशाला में एक गौवंश की मौत हो चुकी है, तो वहीं दो गौवंश तड़प रहे थे। जब इसकी हकीकत वहां पर मौजूद दो गौ रक्षकों को पूछा तो उन्होंने बताया सिर्फ गायों को सूखा भूसा हम खिला रहे हैं, और इन्होंने कहा हमको दाना भी नहीं दिया जा रहा जो कि इन गायों को ठीक ठाक से चारा खिला सके। भीषण सर्दी के चलते गौशालाओं में भूख प्यास और गंदगी से दम तोड़ रहे। अफसरों की अपेक्षा बेजुबानों पर भारी पड़ रही है। कई समय से चारा नहीं मिल पा रहा तो कई इलाज के अभाव में गौवंश तड़पते नजर आ रहे हैं। उसराहार से गौरव शाकी की रिपोर्ट। क्या नाम है? क्या नाम है? संतोष कुमार। संतोष जी, आप ये मुझे बताइए, यहाँ पर आप गौशाला में क्या काम करते हैं? गोबर साफ डाल। हाँ, और भूसा डाल। अच्छा, ये गौशाला में गायों को लेकर के काफी यहाँ पे हमने देखा है हालत खराब है, और उसके चलते मतलब गायों को सिर्फ भूसा दिया जा रहा है, दाना भी दिया जा रहा है? दाना नहीं मिलता था। कब से नहीं दाना दिया जा रहा है? दाना कभी नहीं आते, बीच बीच में चले इसलिए है जो। हाँ, बीच बीच की बेचारी डट जाती है बीच में, अब भूसा में वो ऐसा उद्योग नहीं ले पाती। अच्छा, तो दाना बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है? दाना नहीं दे पा रहा। अच्छा, हम तो जानते हैं सरकार दे ही नहीं दाना। अच्छा, दाना नहीं दिया जा रहा। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे तेजस 24 न्यूज़।